फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्राइव क्राफ्ट। दिस इज़ रुपेश हियर और आज हमारे पास है होंडा एक्टिवा 125, होंडा की 125 सीसी प्रीमियम स्कूटर। और इस वीडियो में बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी चलने में कैसी है, गाड़ी का इंजन कैसा है, स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, और बताएंगे आपको कंप्लीट डिटेल्स ए टू जेड कि गाड़ी कैसी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई परचेज डिसीजन में कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी गाड़ी के बीच में आप कन्फ्यूज हो, तो आप बिल्कुल हमसे वहाँ पूछ सकते हो, हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस गाड़ी के बारे में। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इस गाड़ी के लुक्स और डिज़ाइन से। तो पर्सनली मुझे ये गाड़ी लुक्स एंड डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे 10/10 स्कोर करती हुई दिखती है इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि काफ़ी कंजर्वेटिव येट स्टाइलिश डिज़ाइन होंडा ने इस गाड़ी में यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी एक मास ऑडियंस को काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ से। स्टाइलिश है, एलिगेंट है और प्रीमियम लगती है स्कूटर, मतलब 125cc में जो प्रीमियम स्कूटर कह के होंडा इसको सेल करती है, वो एक प्रीमियमनेस है इस गाड़ी में, जो इधर उधर हल्के फुल्के जो डिज़ाइन डिटेल्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स होंडा ने इसमें यूज़ किए हैं, ओवरऑल अगर आप स्कूटर को देखोगे तो वो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स इस गाड़ी में अच्छा टचअप और अच्छा लुक देते हैं। और बात करें अगर स्पोर्टीनेस की, तो ये गाड़ी स्पोर्टी नहीं लगती है एनटॉक जैसे, बट ये प्लेन जेन और रिजर्व भी नहीं लगती है सुजुकी एक्सेस जैसे, तो एक अच्छा बैलेंस है। और मुझे पर्सनली ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है लुक्स डिपार्टमेंट में। अब बात करेगा डिज़ाइन के एलिमेंट्स की जो होंडा ने छोटे छोटे इसमें यूज़ किए हैं लुक्स को एनहेंस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फ्रंट फेशिया को देखो तो यहाँ पे आपको लाइंस एंड क्रीजेस भरपूर मिलती हैं और एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन लगता है। यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल, एक फ्लैट सा स्लैब मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक पियानो ब्लैक फिनिश में हेडलैम्प असेंबली में ऊपर एक ब्लैक टचअप मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा लगता है। हेडलैम्प आपको इसमें LED मिलता है, यहाँ पर आपको डे टाइम रनिंग लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन ही मिलते हैं, और साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है जिसमें आपको एक्टिवा 125 की बैजिंग मिल जाती है। जो फुट स्टेप्स मिलते हैं आपको वो एल्युमिनियम के मिलते हैं, जो कि अगेन लुक में एड अप करता है। और रियर से अगर देखें और एक स्प्लिट टेल लैम्प सेटअप मिलता है, ऑल्दो ये पूरी असेंबली जो है ये एक ही असेंबली है, और यहाँ पे आपको बीच में एक क्रोम का एक लाइन मिल जाती है जो कि सेपरेट कर देता है, तो एक स्प्लिट सा आपको फील आता है टेल लैम्प में। यहाँ पर आपको एक्टिवा 125 की बैजिंग मिल जाती है, टेल लैंप आपको हेलोजन ही मिलता है, इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन ही मिलते हैं, और साइड से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको HED की बैजिंग मिल जाती है, होंडा इको टेक्नोलॉजी की बैजिंग मिल जाती है। सो ओवरऑल गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। सो लुक्स डिपार्टमेंट ने मुझे 10/10 स्कोर करती हुई दिखती है गाड़ी। बाकी अगर बात करें इस गाड़ी के इस मॉडल की स्पेसिफिकली, जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, इसमें आपको अलॉयज और डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं, तो इस स्पेसिफिक मॉडल में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, स्टील व्हील्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा लगता है अलॉय का डिज़ाइन। 5-spoke का अलॉय व्हील मिलता है दोनों में आपको, फ्रंट और रियर व्हील्स में। तो इस गाड़ी में आपको 3 मॉडल मिलते हैं। पहला आपको बेस मॉडल मिलता है जिसमें आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, और उसके बाद जो आपको मिड वेरियंट मिलता है उसमें आपको अलॉयज मिल जाते हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट मिलता है उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है अलॉन्ग विद ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर। अब बात करें अगर डायमेंशन वगैरह की और वेट वगैरह की, तो इस गाड़ी में आपको एक कंप्लीट मेटल बॉडी मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 111 किलोग्राम्स की ये गाड़ी है। सो वहाँ पे थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है, बट आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है काफ़ी अच्छी मिलती है। जो मेटल बॉडी स्कूटर्स होती हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइबर बॉडी स्कूटर्स के हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा लाइफ मिलती है। और एक्टिवा का सेलिंग पॉइंट भी ये है, एक्टिवा इसको इसलिए भी लोग लेते हैं कि एक फुल मेटल बॉडी मिलती है आपको इसमें, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सीट हाइट भी एडिकेट है, 5'6" तक के लोग बड़े आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं, और वेट भी कुछ ऐसा ज़्यादा फील नहीं होता है, एडेड पावर की वजह से वेट भी कुछ ऐसा ज़्यादा फील नहीं होता है। तो ये हो गई कुछ डायमेंशन, वेट और बिल्ड क्वालिटी की बात। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज़ भी अच्छे हैं, पेंट क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इंजन से। तो इस गाड़ी में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर यूनिट मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 8.1 bhp की पावर एट 6500 rpm और 10.3 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एट 5000 rpm। तो ओवरऑल फिगर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब सेगमेंट लीडिंग फिगर्स नहीं है, एक बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, और पावर और टॉर्क फिगर्स के हिसाब से गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो नहीं होगी, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि 111 किलोग्राम का वेट है इस गाड़ी का।
तो ये डिटेल हो गई इंजन के बारे में। अब इंजन में आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, आपको HET मिलता है, ESP मिलता है, जो कि आपको एक फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह को रिड्यूस करके एक इंजन का जो एफिशिएंसी और पावर फिगर है उसको बेहतर करता है, एक रिफाइंड एक्सपीरियंस आपको देता है। क्योंकि इस गाड़ी का इंजन स्मूथ, बहुत स्मूथ है और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। अब बात करें अगर सस्पेंशन सेटअप की, तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट में मिल जाता है टेलीस्कोपिक फोक्स और रियर में आपको एक मोनोशॉक मिल जाता है जो कि ट्यून्ड है कंफर्टेबल राइडिंग के हिसाब से। गाड़ी बम्प्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है, झटके आपको फील नहीं होते हैं शहर में, और पॉटहोल्स वगैरह पे काफ़ी अच्छे तरीके से निकल जाती है। और चूंकि सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है तो हैंडलिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है इस गाड़ी की, और कभी भी एक्टिवा की टॉकिंग पॉइंट का टॉकिंग पॉइंट उसका हैंडलिंग नहीं था। तो ये हो गई आपके सस्पेंशन की डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टायर्स की। तो फ्रंट में आपको 12 इंचेस का टायर मिल जाता है और रियर में आपको 10 इंचेस का टायर मिल जाते हैं। फ्रंट में जो टायर साइज़ है वो 90x90 सेक्शन का 12 इंचेस के व्हील है और रियर में आपको 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं। थोड़ा सा और वाइडर टायर दिया जा सकता था बट ठीक है, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है। ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं 130mm डायमीटर के, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। इस गाड़ी में आई रिपीट तीन मॉडल्स आते हैं। जो बेस मॉडल है उसमें आपको स्टील व्हील्स और ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं फ्रंट और रियर दोनों में। जो मिड वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि ये वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिस्क ब्रेक मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक आइडलिंग ऑटोमेटिक आइडलिंग स्टॉप सिस्टम मिल जाता है जो कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है। तो ये हो गई कुछ फीचर्स वगैरह की बात। अब बात करें अगर स्टोरेज स्पेसेस की, तो फ्रंट में आपको एक अच्छा खासा फ्लोर पैनल मिल जाता है जिसमें आपको फुट पैर वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे आपको एक हुक मिलता है, कैरिंग हुक मिल जाता है सामान लगेज वगैरह कैरी करने के लिए। सीट के नीचे भी आपको एक हुक मिल जाता है लगेज वगैरह कैरी करने के लिए। यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स टाइप का कंपार्टमेंट मिलता है इस जगह पे, जहाँ पे आप कपड़े वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा बहुत रख सकते हो। ये लॉकेबल नहीं है बट स्टिल वाटर प्रूफ है, इसमें पानी नहीं जाता है, ट्राइड एंड टेस्टेड। और अब बात करें अगर इसकी अंडर सीट स्टोरेज की, तो इस गाड़ी का अंडर सीट स्टोरेज जैसे कि आप देख सकते हैं फुल फेस हेलमेट रखा हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा खासा आपको अंडर सीट स्टोरेज ही मिल जाता है। और एक जो कन्वीनियंट फीचर मुझे लगता है इस गाड़ी में सबसे बेहतर है, वो इस पूरे सेगमेंट में सबसे अच्छा है, वो है इसका जो की का कंसोल है। इससे आप इग्निशन ऑन कर सकते हो, जैसे कि इग्निशन ऑन हो चुका है यहाँ पे। इस पोजीशन में अगर आप इसको रखते हो तो इससे आप इसकी सीट और फ्यूल लिड को यहीं से ओपन कर सकते हो। अगर मैं इसको नीचे प्रेस करूँ तो यहाँ पे इसकी सीट खुल गई, और अगर मैं इसको ऊपर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका फ्यूल लिड खुल जाता है। ये काफ़ी अच्छा टच है। इसमें फ्यूल लिड जो है, जो आपका ओपनिंग कैप है, ये क्लोज रहती है, दिखती नहीं है, और काफ़ी अच्छा टच है ये। काफ़ी एक ओवरऑल डिज़ाइन में काफ़ी एडअप करता है और काफ़ी फंक्शनल टच है। और अगेन अगर इसको मैं यहाँ पे घुमाऊँ तो यहाँ से मैं गाड़ी का हैंडल लॉक कर सकता हूँ एंड देन फिर इस कंपार्टमेंट को भी ऐसे लॉक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप की वगैरह नहीं लगा सकते और इसको खोलने के लिए अगेन फिर आपको ऐसे खोलना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप है पूरा इसका, यहाँ पे जो की का सेटअप है, इसमें इग्निशन आपको मिल जाता है, सीट और फ्यूल दोनों एक ही जगह से एडजस्टमेंट मिल जाती है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी हेल्पफुल है, डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कुछ इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको कुछ इस टाइप का मिलता है इस गाड़ी का, और अगर इसको मैं स्टार्ट कर दूं तो ये फुल स्वाइप अप मारता है और देन फिर आपको एक्टिवा 125 FI की बैजिंग मिल जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो आपका MID मिलता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको क्लॉक मिल जाता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाता है जो कि 54 किलोमीटर्स पर लीटर का दिखा रहा है आपको। देन फिर इसमें रेंज मिल जाती है, जो आपका फ्यूल जितना भाई टैंक में है उसके हिसाब से क्या रेंज आपको, गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। देन फिर आपको टोटल किलोमीटर्स का और आ जाता है। देन फिर आपका ये ट्रिप मीटर आ जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये सिस्टम्स। अब स्विच गियर की अगर बात करें, स्विच गियर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको स्विच गियर मिलता है। ये आपका पास स्विच है हेडलैम्प के लिए, और इसमें ही लो बीम हाई बीम और उसमें ही पास स्विच इंटीग्रेटेड है। और ये है आपका इंडिकेटर्स, और ये है आपका हॉर्न इस गाड़ी का। एंड ये स्विच जो है आपको टॉप मॉडल में ही सिर्फ मिलेगा, ये आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने के लिए, मतलब अगर आप चाहो तो इसको आप आइडलिंग स्टार्ट स्टॉप को ऑफ भी कर सकते हो और इस पोजीशन में इसको रख के आप ऑन भी रख सकते हो। अगर ऑन रहता है तो थोड़ा बहुत फ्यूल सेव करता है, नो डाउट अबाउट इट। और ये है इस गाड़ी का स्टार्ट स्विच। तो ओवरऑल जो फ्रंट के इस कंसोल का जो लुक है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है,
सो इसके अलावा मीटर में आपको काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऐसे कि आपको हाई बीम का एक इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको इको लाइट मिल जाती है जो कि बताती है कि आप की राइडिंग स्टाइल कैसी है, आप मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इंजन से। और यहाँ पे आपको एक साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है जिसकी, और एक और फीचर जो इस गाड़ी में है वो है, इस गाड़ी में आपको एक साइड स्टैंड इंजन कूल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर गाड़ी में साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और जो एक सबसे प्यारा फीचर मुझे इस गाड़ी में लगा वो है इस गाड़ी का साइलेंट स्टार्ट का फीचर। इस गाड़ी में कोई भी सेल्फ की आवाज़ नहीं आती है, जैसे कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूं तो गाड़ी बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल भी मतलब आपको कोई सेल्फ की आवाज़ नहीं आती है। और अगर मैं यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंजन किल स्विच का जो इंजन किल का जो ऑप्शन है वो डिमॉन्स्ट्रेट करूँ, तो जैसे ही आप साइड स्टैंड लगाओगे गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर साइड स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट फिर नहीं होगी, और जैसे मैं साइड स्टैंड हटाता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये था इस गाड़ी का मीटर। यहाँ पे आपको PGMFI की बैजिंग मिल जाती है, इस गाड़ी में आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलता है। और अगर बात करें इस गाड़ी की सीट की, तो सीट हमेशा से एक्टिवा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, और यहाँ पे भी सेम केस है। सीट काफ़ी वाइड है, एडिकेट कुशनिंग है, और दो लोग के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह है। और ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी काफ़ी स्टाइलिश लगता है, और सिल्वर कलर का ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सो दिस वॉज इट फॉर द डिज़ाइन एंड एक्सटीरियर फीचर्स पार्ट। और अब बात करते हैं गाड़ी को चलाते हैं और बात करते हैं गाड़ी चलने में कैसी, उस चीज़ के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस गाड़ी में तीन मॉडल आते हैं, और फ्रॉम 85,000 ऑन रोड प्राइस टू 95,000 तक का इस गाड़ी का प्राइस जाता है, एक्सक्लूडिंग द एसेसरीज़। मतलब ये जो गार्ड्स वगैरह लगे होते हैं ये आप अगर नहीं लगवाते हो शोरूम से, तो ये जो टॉप वेरिएंट है विद डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स और AGS ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन, ये आपको 95,000 का पड़ता है ऑन रोड। एसेसरी लगाने के बाद ये कहीं 96,000, 97,000 या 98,000 तक का पड़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप एसेसरीज़ कहाँ से लगवा रहे हो, शोरूम से लगवा रहे हो या फिर बाहर से लगवा रहे हो। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन इस ये गाड़ी, बट स्टिल एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब बताते हैं गाड़ी को चला के गाड़ी चलने में कैसी है, और चलते हैं इस गाड़ी की राइड पे। सो शुरू करते हैं स्कूटर की राइड, और आपको बताते हैं स्कूटर चलने में कैसी है, इंजन वगैरह कैसा है। सो एज सून एज यू टर्न ऑन द इग्निशन एक फुल स्वाइप अप होता है, 125 FI की एक बैजिंग आती है मीटर में, और जो साइलेंट स्टार्ट फीचर है इस गाड़ी में जो एक ACG स्टार्टर होंडा ने दिया है वो काफ़ी फील गुड फैक्टर है, और जो स्कूटर का रिफाइनमेंट लेवल है उसमें काफ़ी एडअप करता है। कोई यूजुअल नॉइजी स्टार्टअप नहीं होता है जैसे आज तक हम यूज टू हैं गाड़ियों के स्टार्टर्स में, जो एक सेल्फ की आवाज़ आती है वो उसमें नहीं आती है, और बस आप एक बटन प्रेस करते हो और इंजन स्टार्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब इंजन स्टार्ट हो गया, तो एक अच्छी चीज़ है। बाकी एज सून एज यू स्टार्ट राइडिंग द स्कूटर आपको आइडिया लग जाता है कि कितना रिफाइंड मोटर है ये, लाइक एवरी अदर होंडा इंजन। बहुत ही रिफाइनमेंट लेवल स्टॉप नॉच हैं, वाइब्रेशंस बहुत कम हैं, नॉइज़ बहुत कम है, और काफ़ी स्मूथ चलता है इंजन, बटरी स्मूथ, जिस चीज़ के लिए एक्टिवा को यूजुअली लोग लेते हैं। बात करें अगर इंजन की, इस गाड़ी में आपको 124cc का सिंगल सिलेंडर SI यूनिट मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 8.1 BHP की पावर एट 6,500 RPM, और 10.3 Nm का टॉर्क है 5,000 RPM। तो जो फिगर्स हैं, जो पावर फिगर्स हैं इस गाड़ी के, अगर बात करें कंपटीशन की, तो उसमें कोई ऐसे फिगर्स नहीं हैं जो कि टॉकिंग फैक्टर हो, मतलब एक मिड रेंज में लाई करते हैं, ना सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है ना सबसे कम पावर प्रोड्यूस करती है। और जो एडिशनल पावर आपको मिलती है ओवर द 110cc वेरिएंट, उस एडिशनल पावर का बेनिफिट आपको गाड़ी के परफॉर्मेंस में उतना फील नहीं होगा, मतलब कोई बहुत ही पंची परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ही मॉडरेट इम्प्रूवमेंट है परफॉर्मेंस में, और ऐसा कुछ आपको कि गाड़ी चलाते ही आपको एकदम से एक पावर का सर्ज फील होता है और एक नोटिसेबल फ़र्क फील होता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। स्ट्रेट लाइन में कोई आप अगर एक्सेलरेशन में आप चेक करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, बट हाँ जो एडेड पावर है वो आपकी यूज़ेबिलिटी में एडअप करता है। अब मेरा मतलब ये है कि अगर आप गाड़ी को रेगुलरली चलाते हो, 110cc स्कूटर्स को आप पहले यूज़ कर चुके हो या फिर एक्टिवा को यूज़ कर चुके हो, तो जब आप गाड़ी को चलाना शुरू करोगे 40-50 की स्पीड तक जाओगे तो एक आपको माइन्यूट सा डिफरेंस कि हाँ गाड़ी और अच्छे तरीके से भाग रही है या फिर और ईजिली भाग रही है वो फील होगा,
प्लस जो रोलिंग एक्सेलरेशन है, जहाँ पे आप 40-50 पे चल रहे हो और वहाँ पे आप एक्सेलरेटर घुमाते हो तो वहाँ पे जो गाड़ी पिकअप करती है, वहाँ पे आपको जो एडिशनल टॉर्क और पावर में इम्प्रूवमेंट है वो फील होगी। तो जो एडिशनल पावर है वो आपके एज सच कोई परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं देगी, नॉट लाइक द एंटॉर्क जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील देती है और काफ़ी पावरफुल स्कूटर है, बेस्ट इन द सेगमेंट है। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इस गाड़ी का वेट है वो थोड़ा हायर साइड पे है, मतलब 111 किलोग्राम्स का वेट है इस गाड़ी का। जो नॉर्मल एक्टिव आती है 110 सीसी वाली वो 107 किलो 107 किलो उसकी आती है, और अगर कंपटीशन की बात करें 125 सीसी सेगमेंट की बात करें तो आपकी एक्सेस आती है 103 किलोग्राम्स पे, एक्टिवा 125 ये गाड़ी आपके 111 किलोग्राम्स पे आती है, और जो एंटॉर्क है वो 118 किलोग्राम्स की है। सो एक एडेड वेट भी थोड़ा इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को डल करता है, बट एज सच डल नहीं है परफॉर्मेंस अच्छी है, यूजेबिलिटी इंप्रूव हुई है टीम में, जहाँ पे गाड़ी ईज़ ऑफ यूज़ है और जो गाड़ी अच्छे तरीके से जो रिस्पॉन्सिवनेस है इंजन का वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में। अब ज़रा एक परफॉर्मेंस टेस्ट कर लें और एक एक्सेलरेशन टेस्ट कर लें हाथों हाथ कि ये गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। So in no time we are doing 60, 70, 80, 85. So यहाँ पे आके ये इंजन की पावर टेपर ऑफ करने लगती है, इसके बाद बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होती है स्पीड्स में। सो आई एम नॉट टकिंग डाउन, आई एम सिटिंग स्ट्रेट, और वहां पे आई गेस दैट्स इनफ। अगर एक लंबा स्ट्रेच मिलता है और रोड थोड़ी और बेहतर मिलती है, आप टक डाउन करते हो तो हाँ आप 90-95 तक जा सकते हो उस स्कूटर पे। बाकी अगर बात करें अगर नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस आपको सिटी लिमिट्स में बहुत कम मिलेंगे, 40-50 तक तो बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टेंट रहते हैं। उसके बाद जब आप इस गाड़ी को खींचना शुरू करते हो तो वहाँ पे ये फुट पैनल में और हैंडल बार में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील होता है आपको, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, सिंगल सिलेंडर इंजन है आफ्टर ऑल, तो एकदम से वाइब्रेशंस ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। अब बात करें इस गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग की, तो राइड क्वालिटी जो इस गाड़ी की है वो काफ़ी सपल और काफ़ी सॉफ्ट है, और जिसकी वजह से ये बम्प्स बहुत अच्छे तरीके से कैरी करती है। सिटी लिमिट्स में काफ़ी आपको पॉट होल्स वगैरह फील नहीं होंगे, एक स्टेबल राइड मिलती है आपको, झटके वटके अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है सस्पेंशन। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं और पीछे आपको एडजस्टेबल गैस सस्पेंशन मोनोशॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक सॉफ्टर सेटिंग पे सेट किया गया है, जिसकी वजह से एक राइड क्वालिटी काफ़ी सफल मिलती है आपको, झटके वटके फील नहीं होते हैं। अब अगर बात करें हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग कभी भी एक्टिवा का एक टॉकिंग फैक्टर नहीं था और इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हैंडलिंग तो अगर आप हाई स्पीड कर रहे हो 60-70 तक जा रहे हो और वहाँ पे आपको बम्प्स वगैरह रोड में होते हैं, तो गाड़ी की पिचिंग होती है, मतलब गाड़ी बाउंस करती है प्रॉपर तरीके से, जो कि बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं होता है। तो जो सस्पेंशन सेटअप है वो सॉफ्टर साइड पे है, बम्स अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करता है, कंफर्टेबल राइड देता है। बट अगर आप इसको एक्सपेक्ट करो कि ये काफ़ी एक स्पोर्टी राइड भी आपको देगी, तो उस तरीके से ना ये गाड़ी डिज़ाइंड है, ना इसका सस्पेंशन डिज़ाइंड है, और ना ही आपको उस तरीके से कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगी। अब बात करें अगर टायर सेटअप की, तो टायर इस गाड़ी में आपको फ्रंट में 12 इंचेस की व्हील मिल जाते हैं, रियर में 10 इंचेस का व्हील मिल जाता है। फ्रंट में आपको टायर साइज़ मिलता है 90x90 सेक्शन का, और रियर में आपको 90x100 सेक्शन के 10 इंचेस के व्हील मिलते हैं, फ्रंट में 90x90 सेक्शन का 12 इंचेस का व्हील मिलता है। तो एक ठीक ठाक ग्रिप प्रोवाइड कराते हैं आपको, हाँ थोड़ा और वाइडर रबर होता तो शायद बेहतर होता। कभी कभी एग्रेसिव ब्रेकिंग में अगर आप डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट से, ये वेरिएंट डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट है, यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे गाड़ी स्लिप करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हल्की फुल्की स्लिपिंग होती है, बट हाँ थोड़ा वाइडर रबर होता तो शायद थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होती ब्रेकिंग में, चलने में कॉर्नरिंग में कोई एज सच आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगी। तो टायर्स आर गुड। अब बात करें अगर ब्रेक्स की,
तो इस गाड़ी में आपको डिस्क और ड्रम दोनों, फ्रंट में डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल जो मैं मॉडल चला रहा हूँ ये टॉप मॉडल है जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है 190 mm का, और पीछे ड्रम मिल जाता है 130 mm का। ब्रेकिंग इज़ गुड, और ब्रेकिंग में आपको होंडा का CVS भी मिल जाता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम विद अ इक्वलाइज़र, जिसमें ये होता है कि अगर आप पीछे का ब्रेक लगाएं, थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग करें पीछे का ब्रेक यूज़ करके, तो अगला ब्रेक ऑटोमेटिकली थोड़ा सा परसेंटेज लगता है जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है और पिछला टायर स्लिप नहीं होता है। तो कंबाइंड ब्रेकिंग और इफ़ेक्टिव है वो चीज़, मतलब हर कंपनी आजकल वो चीज़ यूज़ कर रही है, TVS भी यूज़ कर रहा है और होंडा यूज़ कर ही रही है, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है वो चीज़ और आपको काफ़ी बेनिफिशियल फील होगा डेली राइड में। अब अगर एक ब्रेक टेस्ट करें इस स्कूटर का, तो अब राइट नाउ वी आर डूइंग 50 km/h, और यहाँ पे मैं ब्रेक अप्लाई करूँगा। सो ब्रेकिंग इज़ स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं इस गाड़ी के, बिना किसी ड्रामा की गाड़ी रुक जाती है, कोई अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करती है, तो ब्रेकिंग इज़ गुड एज लॉन्ग एज यू आर अप्लाइंग बोथ द ब्रेक्स। अगर आप सिर्फ अगला ब्रेक प्रेस करोगे तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा स्लिप होने के चांसेस रहें, बट एज सच ब्रेकिंग स्कूटर स्टैंडर्ड से अच्छी है। सो अब बात कर लेते हैं कम्फर्ट एंड यूजबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ सीटिंग पोजिशन एंड वेट। तो इस गाड़ी का वेट है 111 kg, जो कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, तो ईज़िली मैनेजेबल होता है, गाड़ी काफ़ी निम्बल फील होती है और इट्स ईजी टू राइड दिस स्कूटर इन ट्रैफिक सिचुएशंस, वहाँ पे निकालना काफ़ी आसान रहता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता है। सीटिंग पोजीशन गाड़ी की काफ़ी अपराइट है, और इस सीटिंग पोजीशन के हिसाब से ना आपको कहीं बॉडी में कोई पेन फील नहीं होता है, ना शोल्डर में ना रिस्ट में, और अगर आप लंबा टाइम स्पेंड करते हो अपने स्कूटर पे तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट्स काफ़ी वाइड हैं, एडिकेटली कुशन्ड है, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत हार्ड है, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक स्कूटर को चलाने के बाद आपको कहीं भी कोई पेन फील नहीं होता है, कोई नंबनेस फील नहीं होती है, और सीट की लेंथ भी एडिकेट है जिसकी वजह से आपको और आपके पिलियन को कंफर्टेबली काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सामने फुट बोर्ड में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जिसमें अपने पैर एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के हिसाब से, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और काफ़ी ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल राइड होती है इस स्कूटर की। अगर सीट हाइट की बात करें तो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी टॉलर साइड पे है, मेरी हाइट है 5'8", और वहाँ पे मेरे पैर कंफर्टेबली नीचे पहुँच जाते हैं, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6 feet की है तब भी आप आराम से इस गाड़ी में बैठ जाएंगे, और अगर आपकी हाइट ऑन द शॉर्टर साइड है 5 inches से कम है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, बट आपको खुद वो चला के चेक करना पड़ेगा कि आप कितना कंफर्टेबल हो। सो अब बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी गाड़ी के परचेज में, माइलेज वगैरह के बारे में, माइलेज कैसा है इस गाड़ी का और क्या आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है इस गाड़ी से। तो अभी फ़िलहाल ये गाड़ी 399 kilometers चली है 400 kilometers, तो अभी तक जो मुझे माइलेज मिला है इस गाड़ी से वो है 53-54 kilometers इन सिटी राइड, मतलब मैक्सिमम ये गाड़ी शहर में ही चली है, तो 53-54 kilometers का माइलेज मुझे मिला है अभी तक इसमें, जो कि इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाता है। मैंने टैंक टू टैंक चेक नहीं किया है अभी, मैं चेक करूँगा और आप लोगों को भी बताऊँगा कि गाड़ी का एग्जैक्ट माइलेज कैसा है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के रिव्यू में इस गाड़ी के माइलेज के कम होने की बात पढ़ी है, जो गाड़ी के यूज़र्स हैं उन्होंने ये चीज़ बताई है, बट अभी तक मेरे हिसाब से जितना मेरा अंदाज़ा है और जितना इस गाड़ी का MID बता रहा है, कहीं ना कहीं इन लाइन बैठ रही है चीज़ें और 50+ माइलेज ही मिल रहा है मुझे। होंडा ने इस स्कूटर में काफ़ी टेक्नोलॉजी से स्कूटर में यूज़ की है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल माइलेज इम्प्रूव होता है, जैसे कि आपको इसमें ऑटोमेटिक आइडलिंग स्टॉप मिल जाता है, जिसमें अगर आप गाड़ी को रोकते हो ट्रैफिक में और गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ पर इंजन अपने आप बंद हो जाता है, और 3 seconds के अंदर, शायद 3-4 seconds के अंदर इंजन अपने आप बंद हो जाता है, और जब आपको ट्रैफिक में आगे बढ़ना होता है या फिर जब ट्रैफिक मूव होना शुरू होता है, जब आप एक्सेलरेट करोगे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हियर वी आर एट स्टॉप,
तो ये स्कूटर बंद हो चुका है और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आइडलिंग का इंडिकेटर है मीटर में, वो ब्लिंक कर रहा है। अब अगर मुझे मूव करना है तो मैं सिर्फ एक्सेलरेटर को हल्का सा घुमाऊंगा और गाड़ी सीमलेसली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अगेन वो ACG स्टार्टर मोटर, जो साइलेंट स्टार्टर मोटर है, उसका बेनिफिट आपको फील होता है। कोई भी जब गाड़ी बंद होती है उसके बाद जब आप एक्सेलरेट करते हो गाड़ी बढ़ने लगती है, उस बीच में कोई भी फील नहीं होता है, स्टार्टर मोटर की कोई आवाज़ नहीं आती, सेल्फ की कोई आवाज़ नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में कोई इको लाइट भी मिल जाती है जो कि यहाँ पे भी जल रही है, जो कि आपको बताती है कि आपका जो राइडिंग स्टाइल है वो फ्यूल एफिशिएंट है या नहीं है। क्योंकि यूजुअली जो CVT मोटर्स या फिर जो ऑटोमेटिक स्कूटर्स, गियरलेस स्कूटर्स होते हैं, उनमें माइलेज गिरने का मेन चांस यही होता है कि हम बहुत एग्रेसिवली उनको चलाते हैं, और एग्रेसिव राइडिंग के हिसाब से फिर देन इनका माइलेज ड्रॉप होता है। अगर आप इस गाड़ी को इको मोड में चलाएं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ इको मोड, तो आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। बट टू बी श्योर और कंफर्म करने के लिए मैं एक टेस्ट करूँगा टैंक टू टैंक, या फिर एक माइलेज टेस्ट करके आपको मैं बताऊँगा कि एग्जैक्ट रियल लाइफ में माइलेज कितना मिल रहा है और कितना डिफरेंस आता है MID में डिस्प्ले होते माइलेज से और जो माइलेज आपको एक्चुअली मिलता है रियल लाइफ में उसमें, तो भी मैं आपको बताऊँगा कुछ वीडियोस के बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगा। बाकी अगर आप बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी सिंपल लेआउट मिलता है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, नॉट द बेस्ट इन द क्लास। अगर आप एनटॉक से कंपेयर करो तो उसमें तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है, बट उसके बाद अगर कहा जाए तो सबसे इन्फॉर्मेटिव मीटर यही है। इसमें आपको एक सिंपल सा लेआउट मिलता है जिसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है, आपको ट्रिप मीटर मिलता है, आपको क्लॉक मिलता है, आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, आपको रेंज टू एम्प्टी मिलता है, और सर्विस इंडिकेटर वगैरह भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल ये इस स्कूटर की सारी कहानी थी। और अगर अब बात करें प्राइसिंग की, तो एक्टिवा 125 85,000 से लेकर 95,000 ऑन रोड मिलती है UP में, और दिस इज़ नॉट अ चीप स्कूटर, दिस इज़ अ एक्सपेंसिव स्कूटर, बट इट्स इन लाइन विद द कॉम्पिटिशन। मतलब कॉम्पिटिशन में अगर आप ध्यान दें तो एक्सेस 125 और एनटॉर्क और 125 एक्टिवा 125 ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये वाला डिस्क और अलॉय के साथ जो आता है, वो आपको ऑन रोड 95,000 का पड़ेगा विदाउट एनी एसेसरीज, जो आप गार्ड वगैरह लगाते हो उसके बिना आपको ये 95,000 का पड़ेगा। अगर आप एसेसरी वगैरह लगाते हो तो 97-98 तक इसका प्राइस चला जाता है, जो कि एक एक्सपेंसिव प्राइस है। सो अब बात करते हैं कि आपको एक्टिवा 125 सेगमेंट में मिलने वाली और 125cc स्कूटर्स के ऊपर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए प्रीमियम लुक्स, गुड बिल्ड क्वालिटी, फुल मेटल बॉडी स्कूटर, अच्छा इंजन चाहिए, रिफाइनमेंट चाहिए, रिलैक्स्ड और ईज ऑफ यूजेज चाहिए, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए और अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, तो एक्टिवा 125 इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, कीपिंग इन माइंड दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट है तो आपको एक्टिवा 125 बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि अब इस गाड़ी में काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आते हैं। फीचर्स में कोई कंजूसी नहीं की है होंडा ने, और काफ़ी यूजेबल और काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी में, जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको, जैसे कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप और ये जो की का यूनिट है जिसमें आप सीट और फ्यूल लिड एक जगह से खोल सकते हो, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ को ईजी बनाती हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग हो, यंग एज में हो, और आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर चाहिए जिसमें आपको परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है और गुड लुक्स, अग्रेसिव लुक्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको एनटॉर्क अभी बेहतर पड़ेगी। सुजुकी एक्सेस अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो रही है, नो डाउट सेगमेंट किंग अभी भी वही है, बट विद दिस एक्टिवा आई थिंक द थिंग्स विल बी चेंजिंग सून, क्योंकि होंडा के पास एक हेरिटेज, एक हिस्ट्री है स्कूटर्स के साथ। स्कूटर इंडस्ट्री को इंडिया में फिर से रिवाइव करने वाली होंडा ही थी, और होंडा एक्टिवा की सक्सेस स्टोरी किसी से छिपी नहीं हुई है। तो उसके पास एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं था, 125cc में एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं था जो कि बाकी कॉम्पिटिशन से कॉम्पीट कर पाए, इसीलिए सेल्स नंबर में होंडा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। बट विद दिस मॉडल आई थिंक कि काफ़ी अच्छा केस बनता है होंडा एक्टिवा को कंसिडर करने का, और आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। बाकी अगर बात करें प्राइस की, तो आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है, बट वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जो कि आपका परचेज डिसीजन को चेंज कर दे।
2000-3000 का फ़र्क ही है लगभग सारी स्कूटर्स में, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो जो फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, जो आपको रिफाइनमेंट लेवल मिल रहा है, जो क्वालिटी लेवल्स मिल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्वेश्चन हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ डाउट हो आपका, कुछ हेल्प चाहिए, कोई सजेशन चाहिए तो बिल्कुल हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं और कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में मिस कर गया हूँ तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, ताकि और लोगों के जो इस गाड़ी को ख़रीदने का सोच रहे हैं या फिर इस सेगमेंट की किसी गाड़ी को ख़रीदने का सोच रहे हैं तो उनको हेल्प हो पाए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी स्टे सेफ, प्लीज़ यूज़ सैनिटाइजर्स, मास्क और अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ ताकि जल्दी से जल्दी हम इस पैंडमिक को हटा पाएँ। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।